सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और 10 के मतलब 9:30 हो रहा अभी टाइम। और आज मैं मतलब लंबी छुट्टियों के बाद, 10-12 दिन छुट्टी करने के बाद वापस आई हूँ देहरादून, बड़ी मशक्कतों के बाद, बहुत सारे वादे करने के बाद कि इस बार कुछ अच्छा करूँगी मैं। और मेरी मम्मी ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया है, इसलिए मुझे भेजा है देहरादून वापस पढ़ने के लिए। और वैसे तो पढ़ने के लिए मना नहीं है, पर बोला था कि घर में ही पढ़ ले, बट मैं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट भी जाना है और लाइब्रेरी वगैरह भी, और यहाँ पे भाई लोग भी अकेले थे इसलिए मुझे भेज दिया। तो अब मैं आज के व्लॉगिंग की शुरुआत देहरादून से कर रही हूँ। अरे कि आप भी मेरे साथ बने रहिए और तैयारी करिए। मैं भी जो जो बुक्स पढ़ूंगी, जो जो नोट्स पढ़ूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, अब मैंने आज पहना है सूट। गाइज, हम लोग एक स्टडी ब्रेक लेने आए हैं चाय और समोसा खाने चावला के पास, थोड़ी देर पढ़ने के बाद। इसको लगी थी भूख तो बहुत टाइम बाद मिले हम दोनों आज। हेलो गाइज, हेलो करते गाइज। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर और पढ़ाई करने के बाद हम थोड़ा सा और दूसरा ब्रेक लेने आगे छत पे, और मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। हम आए अभी शिखर के छत पे। सॉरी, क्या है ये शिक्षा? वो मैंने शिखर से कोचिंग कर रखी तो मेरे को वहीं का नाम रहता है, शिक्षा के छत पे धूप सेकने के लिए। और अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, और ये छत बहुत टॉप पे है, 3 मंजिले पे हार गए हम, 3री मंजिल पे। देखो देखो, और वो पीछे उधर खलंगा है, और मस्त धूप लग रही है, और नीचे सब लोग कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं हमको। गाइज, हम दोनों ने धूप में बैठ के पढ़ने का डिसाइड किया है और एक एक टारगेट दे दिया है एक दूसरे को। हम पढ़ेंगे अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पूछेंगे कि किसको कितना याद हुआ है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे डिस्कशन से बहुत ज़्यादा याद होता है ना। तो अभी ये भी पढ़ रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ। जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से देखेंगे कि किसको कितना याद हुआ है। गाइज, पहले मेरी बारी है, मुझसे पूछेगी। और पीछे से धूप आ रही तो फोन ऐसे रखना पड़ रहा। चल पूछता हूँ। ले, बीएस नेगी से पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, और इसके पास नया वाला एडिशन है और मेरे पास पुराना ही है। अब कुछ पुराना ही है मेरे पास। चल भाई पूछ भाई, अच्छे क्वेश्चन पूछना, ठीक है? वैसे वाले तो नहीं पूछेंगे, जोर से पूछना जो यहाँ भी सुनाई देते। सबसे पहला क्वेश्चन है, चमोली जनपद की स्थापना कब हुई? 1960। डेट? 24 फरवरी। पुराना नाम क्या है चमोली का? लाल सांगा। पहले क्षेत्रफल अभी चमोली जनपद का क्षेत्रफल, क्योंकि सबसे बड़ा जनपद है इसलिए थोड़ा बहुत। नहीं, गलत। सबसे बड़ा जनपद उत्तरकाशी है। नहीं, चमोली है। उत्तरकाशी है, चमोली है। अरे आयोग उत्तरकाशी देता है, चमोली देता है अब। ये देखो, उत्तरकाशी है, चमोली है। गाइस, आप लोग बताना क्या है, ठीक है? चमोली है गाइस, मुझे पता है। कमेंट करके बताना, मेरे पास नया एडिशन है इसलिए मैं नई तरीके से बोली, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अब उत्तरकाशी नहीं है, चमोली है। चमोली सबसे बड़ा है, चंपावत सबसे छोटा है, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। दूसरा है, चलो आपसे अब चमोली जनपद की चोटियों के बारे में पूछते हैं। हाइट मत पूछना बस। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसकी तो पूछ सकते हैं, तो ऊंची है सबसे। चलो इसकी तो बता दो, बताओ जल्दी। 7,817। और क्या पूछूं फिर? और पूछो। और 10 पर्वत चोटियां हैं गई जो सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, वो 10 की 10 चमोली में ही है, जिसमें नंदा देवी पूर्वी नाव कौन सा है, कितने किलोमीटर की पूरी होती है। ओके, इस टाइप का। कालिंदी दरिया किस किसके बीच है? कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। सुंदरडूंगा? सुंदरडूंगा बागेश्वर और चमोली के बीच में। और क्या पूछूं? और नीचे आते हुए अभी मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। जैसे आंदोलन हुए थे, मैती आंदोलन हो गया। मैती आंदोलन कब हुआ था? मैती आंदोलन 96 का है।
कल्याण सिंह रावत, हाँ कल्याण सिंह मेहते ने किया था। इसके अंतर्गत पता क्या था कि मतलब जो भी नई लड़की जिसका शादी होगी उसका पति और वो एक पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ की रक्षा उस लड़की के मायके वाले करेंगे, इस तरीके का उसका उद्देश्य था। ओके मैम। डूंगी पैंतोलिया आंदोलन हुआ था चमोली में, जो कि उससे रिलेटेड था, क्या बोलते हैं उसका नाम, बांज के वनों से रिलेटेड था, बांज के पेड़ों से रिलेटेड, और के में हाँ उसको काटने के विरोध में। और एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, जो कि 1972-74 दोनों में आता है, ठीक है, उस टाइम पे हुआ था गौरा देवी ने। और इसका जो सबसे खतरनाक नारा था जो कि उन महिलाओं ने दिया था, क्या है वन, क्या है वन, क्या है वन, नहीं क्या है जंगल का उपकार, हाँ क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार, यही जीवन का आधार, ऐसे करके आंदोलन जो उन्होंने वो दिया था। और सबसे बड़ा बुग्याल, सबसे बड़ा बुग्याल गुड़सो बगजी, बगजी बुग्याल होगा, नो हाँ कौन, वेदनी, वेदनी, अरे हाँ यार वेदनी बुग्याल, सॉरी, जो कि चमोली में ही है। इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, कल्पनाथ की क्वारी का, और वो मेला लगता है जो गौचर में लगता है ना, वो मेला क्यों लगता है, जब वहाँ वो आए थे 1938 में नेहरू जी आए थे तो उनके मतलब उसमें लगता है, बर्नेडी ने शुरू किया था ये मेला 1943 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आने के उसमें, कि वो 1938 में आए थे तो 1943 में मेला शुरू हुआ था और बर्नेडी ने किया था। क्या ही पूछूं वो तो पढ़ा ही होगा तूने नदी तंत्र चमोली में, अलकनंदा नदी तंत्र, तो ये बता कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है। सरस्वती जल्दी बता, जल्दी पता नहीं अभी याद करना, थप्पड़ मारूंगी तेरे। तो सतोपंत से कौन सी निकलना है, सतोपंत से अलकनंदा खुद निकलती है बाबू, सबसे पहले निकलती सरस्वती देवताल से, जो केशव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। हाँ ये तो पता है मेरे को, मिलती कहाँ ये नहीं पता कि निकलती। तो अभी बता भगोली डैम परियोजना कौन सी नदी पे है, भगोली, भगोली या भगोली दोनों, चार सौ चवालीस मेगावाट की है और ये पिंडर नदी पे है, 444 शायद, गलत भी हो सकता है ये मेरे को याद नहीं है, पर पिंडर पे है ये कन्फर्म है। चल दूसरा क्वेश्चन, इधर नॉर्मल क्वेश्चन पूछती हूँ, नंदा राजजात यात्रा कब शुरू हुई थी। 19वीं सदी में हुई थी ना, 20वीं सदी में, तो कब हुई थी, 1905 में शुरू हुई थी, ठीक है चलिए छोड़, मेरे अभी को पढ़ा दो यार मेरे को आता है। अभी ये बता नंदा देवी राज आ जाता है, लास्ट टाइम कब हुई थी, लास्ट टाइम 2014 में, पागल 12 साल बाद होती है ना, हाँ पहले 2002 में हुई, फिर 14 में, पहले 2000 में, 2000 में हुई, फिर 2014 में हुई, और अब आगे होगी जब भी होगी। अच्छा ये बता ससुराल का जो पहला पड़ाव है नंदा देवी राज यात्रा का, वो कहाँ है, फुलसारी, फुलसारी पहला है, होमकुंड लास्ट है, रूपकुंड का दूसरा नाम बता, होमकुंड ये वीडियो वीडियो रूपकुंड का क्या है, रूपकुंड रहस्यमय ताल, ये कंकाल ताल, कंकाली ताल, हाँ कंकाली ताल, स्केलेटन ताल मतलब, ठीक है रुकना शुरू से बोल, रुको एक मिनट, ये तो उसकी है वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय, रुको ना मेरे को याद ही नहीं आ रही, पहले याद तो करने दो, गाइस रुक जाओ थोड़ी देर, आराम करो याद कर, क्या बताना है हमें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी चाहिए। तो उत्तराखंड में जो है वो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, और पहला है आपका कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और फिर है फूलों की घाटी और नंदा देवी, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1982 में, और उसके बाद आता है आपका राजा जी, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और फिर आता है लास्ट में गंगोत्री जो सबसे नया है, उसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और सबसे बड़ा जो है वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और जो सबसे छोटा है वो है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी और जो नंदा देवी है दोनों चमोली में हैं, गंगोत्री और गोविंद दोनों उत्तरकाशी में हैं, बल्कि कार्बेट नैनीताल और पौड़ी देहरादून दोनों में आता है, और राजा जी भी ऐसी है, राजा जी भी उसमें आता है देहरादून और पौड़ी में, है ना।
हरिद्वार में, और हरिद्वार भी है इसमें। बस गाइस फाइनली आज हम दोनों अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं छत में बैठे बैठे, और थोड़ा बहुत जो भी हमने पढ़ना था बाकी। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करें, और इनको हाई लेवल पे पहुंचाएं। बाय।